को ऐसे को कर लियो मिले मतलब कैमो को ऐसे को कर लियो बताओ क्या क्या हो रहा है। हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे और जहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है वो हाथ थोड़ा सा सूज गया है। बॉडी का एक 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 कहते हैं ना हड्डी का जॉइंट दर्द हो रहा है और सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट भी किया है तो भी चक्कर आ रहे हैं। मेरे सिर दबा दो ना यार प्लीज़। अच्छा कौन दबाता है, अच्छे से दबाओ ना। अच्छे से ऐसे वाला और तो कुछ नहीं, वैक्सीनेशन हुआ है तो इतना तो हो गई। बुखार आ रहा है? बुखार मुझे ऐसे चढ़ के कभी बुखार नहीं आता है तो अब पता नहीं, शायद यूँ लग रहा है सिर गरम है, ऐसा लग रहा है सिर गरम थोड़ा थोड़ा है, सिर गरम ऐसा लग रहा है, आईज वाइज सब गरम गरम लग रहा है। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तुम ज़्यादा डर रहे थे ना इसलिए तुमको कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम दबंग होके गई थी ना वैक्सीनेशन करवाने इसलिए मुझे ही हो गए सारे सिम्टम्स। पर कोई नहीं, एक दिन के लिए है, दो दिन के लिए है, पर सेफ्टी है अपनी, है ना। सेकेंड डोज में कुछ नहीं होगा फिर, सेकेंड डोज में किसी को कुछ नहीं होता ऐसे कहते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन ये तो अपन लगवाएंगे तो ही पता चलेगा कहने वाले कहते रहते हैं। नहीं मम्मी पापा ने लगवाया ना वो सीनियर सिटीजन के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब बोल रहे थे। अब थोड़ी सी हम केयर करेंगे इनकी, सिर दुबाएंगे, क्योंकि हमको तो अभी तक कुछ हुआ है नहीं, तब देखते थोड़ी देर बाद क्या होता है। अभी बज रहे हैं, सॉरी मैंने आज वॉच ही नहीं पहनी है, आज तबीयत सुबह से सही नहीं है। अभी बज रहे हैं 5 और कस्टमर के परमानेंट मैसेज आ रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट भेजो, प्रोडक्ट हमको इंटरनेशनल डिलीवर करने हैं, तो हम उसको जाके भी एक पिक्स भेज रहे हैं और शॉप पे जा रही हूँ, तो चलो आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। तबीयत सही नहीं है तो अभी ब्लॉक करने का ट्राई कर रही हूँ, पर अभी थोड़ी सी ठीक लग रही है, अभी फीवर वगैरह सब उतर गया है और हाथ पैर भी थोड़े से कम दर्द हो रहे हैं, एक दिन तो रहेगा ही वो, इसलिए लेट्स गो। ये पूरा पार्सल अभी डिस्पैच हो रहा है, ये इंटरनेशनल डिस्पैच हो रहा है, और आपको चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट करें। और इसके रिजल्ट्स यानी 99% हैं, यानी मिशेल के आपको कुछ भी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। आज पूरा दिन मैंने आपसे शेयर किया कि जो मैंने वैक्सीनेशन करवाया उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने वैक्सीन ली थी कोविशील्ड और अभी सब जने हमारे यहाँ पर तो यही चल रही है और अच्छी भी है, सेफ भी है, और कुछ हमको तो इस बारे में नॉलेज है नहीं इसलिए सब ले रहे हैं। और वैक्सीनेशन है वो हमारा फ़र्ज़ है, हमको लेना ही है और हमारा प्रोटेक्शन है उससे। और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ पैर थोड़े से दर्द हो रहे थे, बुखार मुझे थोड़ा थोड़ा आया था, और मैं तो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी यानी वैक्सीनेशन लेने के लिए। और निपेश है जो कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे, मुझे एक घंटा उनको कन्विंस करने में लगा कि वैक्सीन ले लो, आज ले लेते हैं ले लेते हैं। उन्होंने फिर उनको मैंने रेडी किया, फिर उन्होंने बोला चलो चलते हैं, तो वैक्सीन ली। उनको तो सिर्फ रात को थोड़ा सा बुखार आया था, बाकी कुछ नहीं हुआ था, पूरा दिन उनको ओके ओके है। और जिस हाथ पे वैक्सीन लगी है वो हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो और सिम्टम्स आने भी चाहिए, और सिम्टम्स है वो आने भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो ही कहते हैं यानी कि वैक्सीन है वो सक्सेसफुल रही है, ऐसा बोल रहे हैं सब जने, तो हो सकता है ऐसा ही होगा। इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग जिन्होंने नहीं ली है और जिन्होंने ली है उनके साथ क्या क्या हुआ है आप उनसे प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने भी आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और मैंने दोपहर में एक गोली ली थी क्योंकि मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे और थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था और हाथ भी पेन ज़्यादा हो रहा था, तो मैं फीवर भी आया था, पर फीवर मुझे ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, सिर्फ मुझे सिर ही गरम गरम लग रहा था, तो वो तो थोड़ी देर में सही हो गया। मैंने जब टैबलेट ली तो टैबलेट भी मैंने पूरी रात नहीं ली थी, जब दिक्कत मुझे हो रही थी फिर मैंने किसी से कंसर्न किया कि हाँ ले सकते हैं ऐसा, क्योंकि जहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर भी टैबलेट्स दे रहे हैं लोगों को, तो ठीक है फिर ले ली और अभी ठीक है। आज का दिन तो थोड़ा बहुत रहेगा, अब देखते हैं कल क्या होता है, अभी तक तो सब बढ़िया है, कोई ज़्यादा घबराने जैसी बात नहीं है। तो
मेरे बोलने में कोई भी यानी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब जो पता है वही बता रही हूँ, और कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, बस यही बोलना चाहती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।